हे सुपर आर्मी, मैं हूँ सुपर डुपर हिंदी और आप सभी का पोकेमोन की एक और अमेजिंग वीडियो में स्वागत है। एश वर्सेस टोबियास, इस बैटल को कोई भी नहीं भुला सकता क्योंकि एक तरफ थे टोबियास के लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमोन और दूसरी तरफ थे एश के नॉर्मल पोकेमोन। मेरे अकॉर्डिंग ये बैटल थोड़ी अनफेयर थी क्योंकि एक कंपटीशन में बराबर के पोकेमोन का कंपटीशन होता है, लेकिन यहाँ पर टोबियास ने लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमोन का यूज किया था। एंड में एश टोबियास के अगेंस्ट मैच को हार जाता है क्योंकि एश अपनी टीम को अच्छी नहीं बनाता। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एश की अल्टीमेट टीम जो टोबियास को हरा सकती थी, और मैं सिर्फ कैंटो से लेकर सीनो तक के एश के पास जितने भी पोकेमोन थे उनमें से 6 बेस्ट पोकेमोन चूज करूंगा, और इस लिस्ट में यूनोवो, कार्लोस एंड अलोला रीजन के पोकेमोन इंक्लूड नहीं होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग सुपर डुपर हिंदी पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना ऐसे ही पोकेमोन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के इस पोकेमोन के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। एश टोबियास के अगेंस्ट अपने पोकेमोन को यूज करता है पिकाचू, सेप्टाइल, हेयरक्रॉस, टॉर्कोल, किबल एंड स्वेलो। यहाँ चौंकने वाली बात यह है कि जब एश टोबियास से बैटल करने के लिए जा रहा होगा तब उससे पहले ब्रॉक ने डेफिनेटली एश को टोबियास एंड उसके डार्करा के बारे में बताया होगा, लेकिन फिर भी एश टॉर्कोल, किबल एंड स्वेलो जैसे पोकेमोन को लेके जाता है जबकि उसके पास इनसे भी अच्छे पोकेमोन थे जो कि टोबियास को बैटल में हारने के काफी काम आ सकते थे। इससे पहले मैं एश की अल्टीमेट टीम बताऊं, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोबियास के पास कौन कौन से पोकेमोन हैं, उनके मूव सेट क्या है और उनके मूव्स को एनकाउंटर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले पोकेमोन था टोबियास के पास डार्करा, जिसको मूव्स आते थे डार्क वॉइड, ड्रीम ईटर, आइस बीम एंड डार्क पल्स। इनमें से डार्क वॉइड एंड ड्रीम ईटर को एनकाउंटर किया जा सकता है, और अगर ये वाले मूव्स एनकाउंटर हो गए तो आइस बीम को फायर टाइप के मूव से बेकार किया जा सकता है, और एंड में बचता है डार्क पल्स जो कि एक फिजिकल मूव से भी एनकाउंटर किया जा सकता है। डार्करा की वीकनेस है बग, फेरी एंड फाइटिंग टाइप पोकेमोन। डार्करा को हराने के लिए मेरे अकॉर्डिंग चारिजार्ड, इन्फिनेप, सेप्टाइल या फिर स्नोलेक्स, इनमें से कोई से भी एक पोकेमोन को यूज किया जा सकता है, और सेप्टाइल तो ऑलरेडी डार्करा को डिफीट कर चुका है और ये हम पोकेमोन एनिमे में देख चुके हैं। अगर मैं चारिजार्ड की बात करूं तो चारिसिफिक वैली में ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी फिजिकल पावर, अटैक एंड स्पीड काफी इंक्रीज हो चुकी है। सो सपोज अगर उसकी बैटल डार्करा से होती है और डार्करा अपने आइस बीम या फिर डार्क पल्स का यूज करता है तो चारिजार्ड अपने फ्लेम थ्रोअर या फिर ओवरहीट मूव यूज करके एज अ काउंटर शील्ड यूज कर सकता है, और अगर डार्करा डार्क वॉइड या डीम ईटर यूज करता है चारिजार्ड पर तो अपनी स्पीड की वजह से आराम से उनको डॉच कर सकता है, और अगर गलती से भी ड्रीम ईटर चारिजार्ड को जाता है तो उसका कनेक्शन एश के साथ इतना अच्छा है कि वो ड्रीम ईटर से बाहर आ जाएगा जैसे कि सेप्टाइल उस ड्रीम ईटर के मूव से बाहर आया था। अगर मैं इन्फिनिप की बात करूं तो इन्फिनिप के पास भी ऐसे मूव्स हैं जो कि डार्करा के डार्क वॉइड या ड्रीम ईटर को एनकाउंटर कर सकते हैं, जैसे कि चिमचा ने एक जिम बैटल के अंदर फ्लेम थ्रोअर को शील्ड की तरह यूज किया था घूम घूम के, जिससे कि फ्लेम थ्रोअर उसके आसपास शील्ड बना लेता है, वैसा ही कुछ यूज करके वो डार्करा को एनकाउंटर कर सकता है। इन्फिनिप इसलिए भी अच्छा है क्योंकि एक टाइम पर वो एनकाउंटर शील्ड भी बना सकता है और साथ में अटैक भी कर सकता है, जैसे कि उसने फ्लेम व्हील के साथ फ्लेम थ्रोअर की कॉम्बिनेशन ट्राई किया था, वैसे ही वो फ्लेम विट्स के साथ भी ऐसा ही कुछ ट्राई कर सकता है। ऊपर से वो एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है जिससे कि डार्करा पे इफेक्टिव होंगे उसके फाइटिंग टाइप मूव्स, और वो डार्करा की आइस बीम जैसे मूव्स को अपने फायर टाइप के मूव से एनकाउंटर कर सकता है। चलो डार्करा की बात तो हो गई, अब आते हैं टोबियास के सेकंड पोकेमोन लेटियोस पे। लेटियोस को मूव्स आते हैं गीगा इंपैक्ट, लस्टर पर्च एंड लाइट स्क्रीन, और वो वीक होता है बग, फेरी, आइस, घोस, ड्रैगन एंड डार्क टाइप पोकेमोन के अगेंस्ट। सो सपोज करो अगर इन्फिनिप डार्करा को हरा देता है तो लेटियोस को हराने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है चारिजार्ड, क्योंकि चारिजार्ड ड्रैगन टाइप मूव्स को यूज कर सकता है जो कि लेटियोस पर इफेक्टिव होंगे। चारिजार्ड के मूव जैसे कि ड्रैगन टेल, ड्रैगन रेज एंड ड्रैगन ब्रीथ। और रही स्पीड की बात तो लेटियोस की स्पीड है 110 और चारिजार्ड की स्पीड है 100, इन दोनों की स्पीड में बस 10 का ही अंतर है, तो मेरे हिसाब से इतना अंतर तो चलता ही है, और चारिस्टिक वैली में ट्रेनिंग करने की वजह से चारिजार्ड की स्पीड तो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई होगी, तो मेरे अकॉर्डिंग चारिजार्ड आराम से लेटियोस को हरा देगा। सो अगर सब कुछ सिचुएशन के हिसाब से होता है, इन्फिनिट डार्करा को डिफीट कर देता है और चारिजार्ड लेटियोस को डिफीट कर देता है,
सो ऐश के पास सेप्टाइल, पिकाचू, स्नोलेक्स जैसे पोकेमॉन बचते हैं जो कि बैकअप के लिए काम आ सकते हैं। जब इन्फिनिपन चारिज़ार्ड डैश कर रहे होंगे तब बैटल में पिकाचू, सेप्टाइल या स्नोलेक्स कोई भी बैटल कर सकता है। अगर आप लोगों ने मेरी ऑल सिक्स पोकेमॉन ऑफ टोबियस वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि लैटियोस एंड लैटियास कभी भी अलग अलग नहीं रह सकते, हमेशा वो साथ में रहते हैं। तो ये पॉसिबल है कि टोबियस के पास अगर लैटियोस है तो पक्का उसके पास लैटियास होगा। सो मेरे अकॉर्डिंग थर्ड पोकेमॉन टोबियस लैटियास यूज करेगा, तो उससे फाइट करने के लिए एश स्नोलेक्स को यूज कर सकता है क्योंकि वो एक बल्की पोकेमॉन है और उसका डिफेंस भी काफी अच्छा है। वो सोते सोते भी मूव्स के इम्पैक्ट को सहन कर सकता है और ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो हारते हारते उसने मैच को पलटा है और वो मैच को जीता भी है। स्नोलेक्स ने किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा नहीं सकता। रही पिकाचू और सेप्टाइल की बात, तो उन्होंने प्रूव किया है कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट कर सकते हैं, इसलिए वो ऐश की अल्टीमेट टीम में तो रहेंगे ही। लेकिन फिर भी ऐश की टीम में अभी भी 5 पोकेमॉन रहते हैं और एक पोकेमॉन बचता है। सो मेरे अकॉर्डिंग जो लास्ट पोकेमॉन होना चाहिए वो होना चाहिए हेराक्रॉस। मुझे पता है कि हेराक्रॉस डिफीट हो गया था डार्करा की अगेंस्ट, लेकिन वो पोकेमॉन कंपनी की चॉइस थी। यहाँ पोकेमॉन कंपनी को कंसिडर नहीं करने वाला। हेराक्रॉस जोटो रीजन में ऐश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था और ये बात उसने बहुत बैटल्स में फाइट करके प्रूव भी करी है। सपोज अगर स्नोलेक्स लैटियास को डिफीट कर देता है तो हेराक्रॉस टोबियास के बाकी के पोकेमॉन्स को रिवील करने में काम आ सकता है। और अगर हेराक्रॉस डिफीट भी हो जाता है तो ऐश के पास बाकी के पोकेमॉन है जो कि बैकअप का काम कर सकते हैं। टोबियास के बाकी के पोकेमॉन्स को रिवील नहीं किया गया है और ना ही कन्फर्म किया गया है कि उसके पास बाकी के कौन कौन से पोकेमॉन हैं। लेकिन मैंने इस टॉपिक पे एक थ्योरी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोबियास के ऑल सिक्स पोकेमॉन कौन कौन से हैं। अगर आप लोग ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। सो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐश टोबियास के अगेंस्ट सिनो लीग में चारिज़ार्ड, इन्फिनिप, पिकाचू, सेप्टाइल, स्नोलेक्स एंड हेराक्रॉस को यूज करता तो वो टोबियास को इजीली डिफीट कर सकता था। गाइस, जो भी मैंने आपको इस वीडियो बताया है, मुझे जो भी डेटा मिला था उन सबको एनालाइज करके मैंने आपको ये सब चीजें बताई हैं। ये सब चीजें कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखकर एंजॉय किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के बगैर कहीं मत जाना ऐसे ही पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।